तो आज हम बना रहे हैं राजस्थानी स्टाइल में फिश करी। आप इस तरीके से सर्दियों के मौसम में एक बार फिश करी जरूर बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला, इसी के साथ में 2 तेज पत्ता लिया है। और आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और गरम मसाला को भी भून लेंगे। तो ये हमारा गरम मसाला जो है अच्छे से भून लिया है हमने इसे, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है जीरा का। तो अब यहाँ पे मैंने 4 प्याज काट लिए हैं बड़े साइज में, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये प्याज डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी तरीके से इसे जलाते हुए हम इसका कलर चेंज होने तक इसे पका लेंगे। अभी हमें इसका और कलर चेंज करना है और पकाना है इसे। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 5 मिनट तक पका लिया है और आप देख सकते हो काफ़ी कलर चेंज हो गया है इसका। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा लहसुन छील करके डाल दिया है इसमें। इसी के साथ में 5 हरी मिर्च काट ली है, 1 टुकड़ा अदरक का, इसका मैंने साथ में दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। तो अब ये पेस्ट डाल देंगे हम इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और पेस्ट के साथ में अभी हम इसे और पका लेंगे प्याज को। तो यहाँ पे मैंने इसे 1 मिनट तक और पका लिया है और हमारा पेस्ट जो है हरी मिर्च का ये अच्छे से पक चुका है, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर काट लिए हैं तो ये टमाटर डाल देंगे हम इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैंने टमाटर को भी पका लिया है 2 मिनट तक और हमारे टमाटर जो है ये काफी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने जो आलू मैशर लिया है इसे अच्छे से मैश कर लेंगे हम मसाले को, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, इसी के साथ में मैंने 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसी के साथ में 3 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर पहले पानी हमें कम डालना है क्योंकि सिर्फ मसाला पकाना है हमें। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसे और अब हम मसाले को पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाले को 4 मिनट तक पका लिया है मीडियम फ्लेम पर और आप देख सकते हो हमारे मसाले से तेल अलग हो रहा है। तो ये हमारा मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसमें फिश डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मसाले के साथ में। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है, इसी तरीके से इसे मसाले में ही पकाना है। तो यहाँ पे मैंने 3 मिनट तक इसे अच्छे से मसाले में पका लिया है और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम।
और अब हम इसे और पका लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने इसे 3 मिनट तक और पका लिया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें मैंने डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिश में पानी डालने के बाद में हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 3 मिनट के लिए ही पकाएंगे। इसे ज़्यादा पकाने से ये अच्छे से नहीं बनेगी हमारी फिश करी। तो ये हमारे राजस्थानी स्टाइल में फिश करी बनके बिल्कुल तैयार है। आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।